नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप नाइन। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। ब्लैक सी से बेरेंट्स सागर तक रूस और नेटो में डायरेक्ट युद्ध की आशंका क्यों? यूक्रेन का मिलिट्री हेडक्वार्टर किस फ्रंट पर हुआ ध्वस्त? भीषण युद्ध से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप नाइन। वोलोदार के फ्रंट पर रूस की ड्रोन फ्लीट ने यूक्रेनी सैनिकों के पैर उखाड़ दिए। यूक्रेन के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर रूस ने बैक टू बैक कई बम दागे। तस्वीरों में धमाके के बाद यूक्रेन का मिलिट्री ठिकाना धुआं धुआं दिखा। इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। बखमुत के जंगल में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी फोर्स की मौजूदगी वाली पोजीशन को चारों तरफ से घेर कर भीषण गोलाबारी की। डेढ़ घंटे तक हुई आमने सामने की जंग में कई रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेनी फोर्स ने रूस की इस पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। मरिनका में टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहे यूक्रेन टैंक रेजिमेंट पर रूसी सैनिकों ने एटीजीएम से अटैक कर दिया। एटीजीएम के गाइडेड मिसाइलों ने यूक्रेन के कई बैटल टैंक ध्वस्त कर दिए। तस्वीरों में धमाके के बाद टैंक धू धू कर चलता दिखा। डोनेस में रूस के मोर्टार ग्रुप ने यूक्रेन के गोंडोर ऑफेंसिव को नाकाम कर दिया। ड्यूल पेन वेपन से रूसी फोर्स ने यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर बैक टू बैक मोर्टार दागे। मोर्टार अटैक के बाद यूक्रेनी फोर्स को पीछे हटना पड़ा। रूस ने यूक्रेन पर जमीन और आसमान से भीषण बमबारी की। ताबड़तोड़ हवाई हमलों से रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कहर बरपाया। 24 घंटे में रूस ने 60 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर अपने इरादे जाहिर कर दिए, तो एमएलआरए से भी 80 से ज्यादा हमले किए गए। खेरसोन में रूस यूक्रेन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। 24 घंटे में रूस ने 54 बार शेलिंग की है। रूसी सेना ने 223 शेल्स दागकर यूक्रेनी पोजीशन को ध्वस्त कर दिया। इस विध्वंसक हमले में 2 आम नागरिकों की मौत का दावा किया गया। ब्लैक सी के बाद अब बैरेंट्स सी में भी रूस और नाटो की नेवल फ्लीट आमने सामने है। फिनलैंड और नॉर्वे के करीब नॉर्दर्न फ्लीट के कई वॉरशिप और सबमरीन जंगी अभ्यास कर रहे हैं। रूस के बेड़े में न्यूक्लियर वॉरहेड वाली पनडुब्बियां भी शामिल हैं। रूस समंदर से भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। ब्लैक सी से रूसी सेना ने यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमला बोला। यूक्रेनी सेना ने ब्लैक सी से कैलिबर मिसाइल लॉन्च का भी दावा किया। इसके बाद से कीव को एयर रेड अलर्ट पर रखा गया है। डोनेस के एक विलेज में कई घंटों तक चली गन फाइट के बाद यूक्रेनी सैनिकों की फतह हुई। यूक्रेन की गोलाबारी में घिरे 4 रूसी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। रूसी हथियारों को भी यूक्रेनी सैनिकों ने जब्त कर लिया। इस ऑपरेशन को यूक्रेन की छापामार ब्रिगेड ने चलाया था।